नैनीताल जिले की प्रसिद्ध खोड़ा लाइब्रेरी, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं, घोड़ा लाइब्रेरी एक और नूतन आयाम विकसित करने जा रही है। संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में 8 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक कोटा बाग नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पक्षियाण महोत्सव 2025 आयोजित किया जा रहा है। संकल्प यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी ने बताया कि यह महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पुस्तक और प्रकृति का अनोखा संगम होगा। महोत्सव में 2 दिवसीय पुस्तक मेला, विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, झूले, ड्रैगन सर्कस इत्यादि खेल सामग्री, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायकों की सुंदर प्रस्तुतियां, स्थानीय लोक कलाकारों की सुंदर प्रस्तुतियां, उत्तराखंड की परंपरागत खेलों पर आधारित प्रतियोगिताएं आदि कई सारी नवीन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जल्द ही महोत्सव को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। आगामी 8 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में एक घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के अंतर्गत पुस्तकों, प्रकृति और पहाड़ का एक अनोखा संगम सभी को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस महोत्सव में कई सारी बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि। इसके साथ साथ पुस्तकों का एक मेला भी यहां पर आयोजित किया जाएगा और इसके साथ साथ उत्तराखंड के कई सारे परंपरागत खेल हुआ करते थे जो आज विलुप्ति के कगार पर हैं। महोत्सव के माध्यम से हमारा प्रयास ये भी है कि इस प्रकार के खेल हम पुनः एक बार पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। तो महोत्सव के अंतर्गत बाघ बकरी प्रतियोगिता और मुर्गा झपट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए खास तौर पर एक सगुन आखर अभिव्यक्ति का कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के, पर्वतीय क्षेत्र के और स्थानीय कोटाबाग क्षेत्र के जो भी गिदार महिलाएं हैं वो लोग उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। हमारे टीम द्वारा जल्द ही इस संदर्भ में एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। उसके अंतर्गत संबंधित प्रभारी, सहप्रभारी और संरक्षक से विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए संपर्क किया जा सकता है।